आईपीएल 2022 के 56वें मुकाबले में केकेआर की टीम ने मुंबई को 52 रन के बड़े अंतर से हरा करके आईपीएल से बाहर कर दिया और वहीं केकेआर की टीम अब प्लेऑफ में पक्का पहुंचने वाली है। दोस्तों आप भी जानना चाहते हो इस मैच का पूरा हाईलाइट, केकेआर की टीम कैसे प्लेऑफ में जगह बनाएगी, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। केकेआर की टीम ने सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन स्कोर बोर्ड पे लगाए 20 ओवर में, जिसमें सबसे ज्यादा 43 रन वेंकटेश अय्यर ने लगाए 24 गेंदों में और वहीं नीतीश राणा ने भी 26 गेंदों में 43 रन की पारी खेल डाली। मुंबई की ओर से सबसे भयंकर तूफान हमें देखने के लिए मिला जसप्रीत बुमराह का। बुमराह ने 10 रन खर्च करके 5 विकेट चटका दिए। मुंबई की टीम की ओर से लक्ष्य का पीछा करने के लिए रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन मैदान में आए, मगर रोहित शर्मा 2 रन बना पाए और आउट हो गए, जबकि ईशान किशन ने 51 रन की पारी खेली और कोई बल्लेबाज चल नहीं सका। मुंबई की टीम 18 ओवर की तीसरी गेंद तक ऑल आउट हो गई 113 रन के स्कोर पे और बड़ी आसानी से कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले को 52 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। और दोस्तों केकेआर की उम्मीद अभी बरकरार है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए।